देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी Xiaomi Redmi Note 12 का, जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है। वेरिएंट्स बता दो, इसमें दो वेरिएंट्स आए हैं, 6128 एंड 8128। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 6GB 128GB है और इसकी जो प्राइस है वो है 60,000। और ये फ़ोन आपको मी स्टोर पे मिल सकता है, दराज पे मिल सकता है, कोर कार्ड पे मिल सकता है, Xiaomi के स्टोर पे मिल सकता है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहें। और जो दूसरा वेरिएंट है उसकी प्राइस है 64,999। तो प्राइसेस बड़ी अच्छी रखी हैं Xiaomi ने अब की बार, लेकिन 60,000 की प्राइस रेंज में क्या ये फ़ोन आप लोगों के लिए है कि नहीं, ये इस वीडियो में पता चलेगा। आज मैं इसका रिव्यू करूँगी। मैंने ये फ़ोन कुछ दिन यूज़ किया है, यानी कि अपने यूज़ पर रखा है। इसकी बैटरी को टेस्ट किया है, इसके डिस्प्ले को टेस्ट किया है, इसके कैमरा को टेस्ट किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अब हमने सबसे पहले बात करनी है इसके डिज़ाइन के ऊपर कि Redmi Note 12 का डिज़ाइन कैसा है। अब इसका जो डिज़ाइन है ये खूबसूरत है, नो डाउट। बाय द वे ये ग्लास फील आपको दे रहा है अगर आप इसके बैक पैनल को देखें। तो अगर वो मुझसे पूछे कि इसका डिज़ाइन कैसा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि Redmi ने हमेशा अच्छे डिज़ाइन ही स्मार्टफोन में लेकर आया है और हमेशा डिफरेंट होता है, कुछ चेंज होता है, यानी कि ऐसे हर दफ़ा डिवाइसेस में बोरिंग सा नहीं होता, वो एक जैसा जो हो जाता है। अगर आप इसको बगैर कवर के यूज़ करें तो भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ईजी है इसको होल्ड करना, कैरी करना। वन हैंड टेक्स्टिंग अगर आप करते हैं, एक थंब से एक हाथ में रख के यूज़ करते हैं, तो बहुत ईजी है। डिवाइस हैवी नहीं है और बड़ी ही ईजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। 50 MP ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं और डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, एक स्मार्ट सी डिवाइस है इसको मैं कहना चाहूँगी। फिंगरप्रिंट जो है वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो फिंगरप्रिंट की स्पीड भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। विद इन सेकेंड किसी भी तरह का कोई डिले नहीं है और बहुत ही स्पीड से ये ओपन हो रही है। इसमें फेस अनलॉक भी है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फिंगरप्रिंट, मेरे लिए बड़ा ही ईजी होता है। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड बहुत ही अच्छा बनाया गया है। डिस्प्ले की तरफ चलते हैं, यहाँ पर मेन जो इसमें हाईलाइट चीज़ है वो है इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का और एक एमोलेड डिस्प्ले। यकीन करें इसमें मैंने 60Hz पे भी यूज़ किया है और 120Hz पे भी यूज़ किया है, तो 60Hz पे भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले, लैग और स्लो थी, लेकिन 120Hz पे तो बिल्कुल मैं कहती हूँ रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़, बहुत ही स्मूथ इसकी परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। एमोलेड में आपको ऐसे कलर्स मिल रहे हैं कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इसमें मैंने गेमिंग की, इसमें मैंने कंटेंट देखा, इसमें मैंने वीडियोस देखी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बहुत अच्छे कलरिंग है, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छा है, कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का आप कंटेंट देखें आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रोलिंग के दौरान आपको होता है कि ज़्यादा ये चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं कि कितना ज़्यादा स्पीड से आप स्क्रोलिंग आपकी हो रही है, और जाहिर है जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं उधर स्क्रोलिंग बड़ी करनी पड़ती है, और भी इस तरह की अगर आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इतना स्पीड से ये डिवाइस जो है परफॉर्म कर रही थी कि मैं परेशान हो गई थी। तो इसका जो रिफ्रेश रेट है फिर मैंने दोबारा 60Hz पे कर दिया, 120Hz पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था मुझसे। तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस से मैं बड़ी इंप्रेस हुई। इसमें आपको एक लाइट मोड भी मिलता है, एक डार्क मोड भी मिलता है। अगर आप इसको डार्क पे शिफ्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पेशली जो रात में लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें डार्क मोड लोग ज़्यादा यूज़ पसंद करते हैं, तो आप डार्क मोड पे भी तरफ जा सकते हैं। इसमें रीडिंग मोड है, तो रिफ्रेश रेट के यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, 60Hz और 120Hz। तो मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा मुझे फ़र्क फील नहीं हुआ 60Hz पे भी, इतना स्मूथ इसकी वैसी ही परफॉर्मेंस है, लेकिन 120Hz पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी। तो इसमें आपको मिलता है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और इसमें जो चिपसेट दी गई है वो आपको मिलती है Qualcomm Snapdragon 685 की, एफिशिएंट चिपसेट है, अच्छी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अच्छा आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। मैंने गेमिंग की, एस फॉल्ट बहुत अच्छी प्ले हुई, बहुत अच्छी गेमिंग हुई, लैग फ्री गेमिंग हुई, एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे गेमिंग का मिला, और इसके हाई रिफ्रेश रेट की वजह से गेमिंग का मुझे मज़ा वैसे ही बहुत ज़्यादा आया। यहाँ पर आपको MIUI 14 मिल रहा है, तो यहाँ पर इस वर्जन के साथ आपको बहुत अच्छे जो है वो थीम्स मिलेंगे और ओवरऑल डिवाइस की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एक और चीज़ मैंने नोट की जिसके मैंने बहुत ज़्यादा इस फ़ोन को यूज़ किया है, कहने का मकसद यह है कि चिपसेट के साथ बहुत ही अच्छी आप गेमिंग कर सकते हैं, आप अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है मुझे पसंद आई। मैं जैसे ऐप्स बहुत ज़्यादा स्विच करती हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, आपको पता है कि आजकल जब एक पिक्चर आप अपलोड करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक करें तो वो आपके इंस्टा पे भी जाती है, वो आपके व्हाट्सएप पे भी जाती है, क्योंकि लिंक है सब कुछ आपस में, तो इसी वजह से आपको डिफरेंट ऐप्स पे स्विच करना पड़ता है। तो स्विचिंग में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है कि डिवाइस स्लो है, बहुत ज़्यादा अक्सर लैग होना शुरू हो जाती है। तो इसमें बड़ा
ही अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो 50 मेगापिक्सल इसमें AI ट्रिपल कैमरा है। यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस से मैं बड़ी ही इम्प्रेस हुई। अगर आपका बजट 60,000 है और आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहते हैं जिसे आप अच्छी व्लॉगिंग और अच्छी, अगर आप एक्सपर्ट हैं ना फोटोग्राफी के, तो आप तब इसके कैमरा को बड़ा एंजॉय करेंगे। तो वाइड एंगल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, छोटी से छोटी डिटेलिंग आपको मिलेगी, इवन इसके एजेस भी बड़े फाइन अगर आप पिक्चर को गौर से देखें। और इसमें एक है मैक्रो लेंस, और मैक्रो लेंस अगर आप यूज़ करते हैं आपको काफ़ी अच्छी डिटेल पिक्चर देगा। बाय द वे इसमें जो वीडियो आपको मिलती है, वीडियो ऑप्शन मिलता है वो 1080p का मिलता है, और वीडियो में भी आप वाइड एंगल की तरफ जा सकते हैं। अक्सर ये ऑप्शन नहीं मिलता, बट इसमें ये ऑप्शन मौजूद है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। और इसमें मिलता है एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, इसमें आप ब्लैक एंड वाइट भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, अक्सर जरूरत पड़ जाती है हमें। इसके साथ एक इनहेंस का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनहेंस अभी पिक्चर आए डॉक्यूमेंट जो आप ले रहे हैं। प्रो भी मिलता है, प्रो में अगर आप मैन्युअली पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी है इसके अंदर। एच डिटेक्शन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी फाइन इसकी पिक्चर आई है। नाइट इसके अंदर ऑप्शन है, और नाइट मोड में जो मैंने पिक्चर ली थी तो मुझे बड़ी पसंद आई थी, इवन मैंने अनबॉक्सिंग में भी डाली थी। तो नाइट मोड में इसने बहुत डिटेल वाली पिक्चर दी, इतनी ब्राइट पिक्चर थी, मुझे नहीं आ रहा था यकीन कि ये इसका नाइट मोड है। और आपको पता है अक्सर जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है वहाँ नाइट मोड अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और मोड में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन है और शॉर्ट वीडियोस में भी आप जा सकते हैं। तो 50 मेगापिक्सल से बड़ी अच्छी इससे पिक्चर्स ली, बड़ी अच्छी फोटोग्राफ्स आए। अगर आप अच्छी फोटोग्राफी चाहते हैं और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस कैमरे को यूज़ करते हुए बहुत अच्छी फोटोग्राफी इवन व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं, 5000mAh की बैटरी है। एक यह बात आपको मैं बता दूं मैं कि मैंने इस फ़ोन को 3 दिन यूज़ किया, और इन 3 दिनों में मैंने एक ही बार इस फ़ोन को चार्ज किया। लाइक मैंने एक दफ़ा इसको फुल चार्ज कर लिया। 33W का इसमें फास्ट चार्जिंग है, तो यहाँ पर बैटरी को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं। तो 5000mAh की बैटरी एक ही दफ़ा मैंने चार्ज की, दोबारा मैंने इसको चार्ज नहीं किया। तो इस 3 दिनों में मैंने कैमरा को टेस्ट किया, इसके डिस्प्ले में मैंने जो है वो बहुत सारी कंटेंट देखा, यानी कि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की इस फ़ोन के साथ। एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि डिवाइस हीटअप नहीं हुई। यहाँ पर हीटअप होने के बड़े इशूज़ होते हैं गेमिंग में या कैमरा यूज़ करते हुए, थोड़ा बहुत आपको फील होता है स्पेशली जब इस तरह की आजकल की जो गर्मी चल रही है। तो ओवरऑल जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है मुझे बड़ा पसंद आया। 60,000 की प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा कैमरा दिया गया है, एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, और मेरे ख्याल में मार्केट में इस वक्त 60,000 में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस वक्त अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जो कि 60,000 में आपको एक अच्छा कैमरा भी दे रहा है, अच्छा डिस्प्ले भी दे रहा है, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है, तो Redmi Note 12 बिल्कुल आप लोगों के लिए है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि कोई अच्छा फ़ोन बताओ, मेरे जहन में एकदम आया कि भाई Redmi Note 12 ले लो, 60,000 का उसका बजट था। तो ऑनलाइन आप इसको ले सकते हैं तो आपको इसी प्राइस में मिल सकता है। इसका जो दूसरे वेरियंट है उसकी भी बहुत अच्छी प्राइस रखी गई है, तो Redmi ने आपकी बार बड़ी ही अच्छी प्राइसेस रखी हैं और वाकई दिल खुश कर दिया है। तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे बताना है कि Redmi Note 12 के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।